काली बहू की सौतन लाई दहेज में एसी हीटर। क्या मीठे मीठे काजू बादाम है, एकदम अमृत के जैसे। तभी कविता को कमरे में आता देखकर दुर्गावती काजू बादाम कंबल में दुबका लेती है। माँ जी, खाने में क्या बनाना है? खाना बाद में बनाती रही हो, पहले जाकर मेरे लिए गरम गरम पकौड़े तल कर ले आ। अरे हाँ, बढ़िया चाय भी। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है, जा। हे राम, आज तो बड़ी ठंड है। कविता चाय पकौड़ी बनाकर दुर्गावती को देती है, जिसे खाते ही वो कविता को सुनाने लगती है। ये कैसे पकौड़े बनाए हैं तूने? करम जली, सारा का सारा नमक भरा पड़ा है और चाय भी एकदम मीठी है। पर माँ जी, मैंने तो नमक चीनी एकदम हिसाब से डाला था। इस पर दुर्गावती कविता को गुस्से से गुर्राती हुई गर्म चाय उस पर फेंक देती है। आह माँ, मेरा हाथ। दो कौड़ी की गरीब की बेटी, औकात एक पैसे की नहीं, हर जुबान लड़ाती है। चल जाकर मेरे लिए कुएं से ठंडा पानी भर कर ला। पर माँ जी, बाहर बड़ी ठंड है और घर में टोटी लगी हुई है। मुझे कुएं का पानी ही पीना है, समझी? अब चल जा। बेचारी गरीब कविता कड़कड़ाती ठंड में कमर में घड़ा लिए घर से निकल जाती है। कविता जानती थी कि उसकी सास ये सब उसे सताने के लिए कर रही है, क्योंकि कविता काली और गरीब थी। वो अपने साथ दहेज में कुछ भी नहीं लाई थी, इसलिए दुर्गावती ब्याह के पहले दिन से ही उस पर ये सारे अत्याचार ढा रही थी। कविता की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। वो विदाई की उस घड़ी को याद करने लगती है जो पिता का घर छोड़ते वक्त उसे मिली थी। दशरथ जी, मेरी बिटिया को अपने आंगन की बहू बनाकर आपने मुझ पर जो उपकार किया है, उसके लिए आपके चरण धोकर भी पीऊं तो भी ऋण ना उतरेगा। संधि जी, ऐसा मत कहिए, ये तो हमारा सौभाग्य है जो बहू के रूप में ईश्वर ने कविता जैसी अनमोल हीरा हमें दिया है। बेटी, अब तू इनके घर की बहू है, इनके कुल को बढ़ाना ये तेरा भार है। बेटी याद रखना, बेटी की डोली मायके से उठती है और अर्थी ससुराल से, आज से वही तेरा अपना घर है। इसके बाद कविता की विदाई हो जाती है, पर ससुराल की दहलीज पर पहुंचते ही दुर्गावती आरती उतारते हुए उसे ताने देने लगती है। कितने अरमान थे मेरे अनमोल की शादी को लेकर, मगर तुमने इस काली कलूटी को बहू बनाकर सारे अरमान तोड़ दिए। मेरे खूब ठगा उस गरीब गिरीवर ने, अपने घर की खाक छान कर भेज दिया हमारे आंगन में। अरे बस भी करो दुर्गावती, बेचारी बहू ने अभी ससुराल की चौखट नहीं लांघी है और तुम उसे ताने मारने लगी हो। तो क्या करूं? देखो जी, मैं तो कहती हूँ दफा करो इस काली कलूटन को, कोई तगड़ी पैसे वाली पार्टी देखकर मैं अपने अनमोल की दूसरी शादी कर दूंगी, वो भी गोरी सुंदर बहू से जो ढेरों दहेज लाएगी। दुर्गावती की लालच भरी सोच के लिए दशरथ उसे बहुत झाड़ते हैं, जिसकी खुंदक हर दिन दुर्गावती अपनी गरीब बहू से निकालती है और उसे हर दम दहेज ना लाने के लिए कोसती रहती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एकदम से कड़कड़ाती ठंड बढ़ जाती है, दिन रात ओले गिरने लगते हैं। बाप रे बाप, ये सर्दी तो अब सही नहीं जा रही। हरी ओ करमजली, जल्दी से हीटर चला कर दे मुझे। माँ जी, हीटर तो खराब हो गया है। हे राम, तू है ही मनहूस, तेरे काले कलूटे हाथ क्या लगे, हीटर भी खराब हो गया। अरे तो इसमें बहू का क्या दोष है दुर्गावती, हीटर पुराना होगा तो खराब तो होगा ही ना। अजी तुम तो रहने दो, सर्दियों के मजे तो पुष्पा लूट रही है। उसकी बहू दहेज में इम्पोर्टेड एसी हीटर लाई है, बड़ी महंगी आती है, इसके बाप की तो अठन्नी की भी औकात ही नहीं थी, हीटर देना तो दूर की बात थी। कविता रो पड़ती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन बहुत तेज तूफान उठता है। पता नहीं आज मौसम का रुख देखकर मन बहुत बेचैन हो रहा है, अनमोल जी भी नहीं आए। कविता अनमोल के आने की राह देख रही होती है कि तभी अनमोल श्वेता के साथ बाहों में बाहें और गले में वरमाला डाले अंदर आता है। मैं ये तुम्हारी बहू श्वेता। अरे रे रे, मुझे तो देखकर ही लगा था यही है मेरी बहू। इतने में दरवाजे के बाहर बड़ी सी ट्रक आती है और लेबर सोफा अलमारी बेड उतार कर घर के अंदर रखते हैं। पर जैसे ही एसी अंदर आती है, दुर्गावती की नजर अपनी गोरी बहू की दहेज की एसी पर टिक जाती है।
अरे ये तो वही हीटर वाली एसी है ना, जो अभी नई निकली है। जी सासू माँ, ये वही एसी है। दरवाजे पर खड़ी अपनी गोरी सौतन को देखकर कविता टूट जाती है। आखिर एक सुहागन के लिए कहाँ आसान होता है अपने पति को सौतन से बांटना। तभी कविता की आंखों में आंसू देखकर दशरथ कहते हैं, अनमोल तूने बहू के रहते दूसरी शादी कर ली। ससुर जी, आपने भी तो अनमोल की शादी बिना उसकी मर्जी से इस काली कलूटन के साथ कर दी। अनमोल ने कुछ गलत नहीं किया। दुर्गावती के लिए क्या गलत क्या सही से कुछ मतलब नहीं था, उसे तो बस दहेज में आई एसी हीटर की पड़ी थी। अरे बहू, ये हीटर मैं अपने कमरे में लगवा लेती हूँ। जी नहीं सासू माँ, ये एसी हीटर मैं अपने बेडरूम में लगवाऊंगी। आप बाकी के दहेज का सामान देख लीजिए, क्या करना है। आपको ठंड लगे तो मेरे कमरे में आ जाना। श्वेता के आने के साथ कविता से उसका कमरा भी छिन जाता है। श्वेता अपने साथ लाए एसी हीटर को कमरे में फिट करवा लेती है और दोनों बड़े सुकून से एसी हीटर में सोते हैं। वहीं कविता रात भर ठंड में आंगन में बैठी रोती रहती है। उसके तन पर एक झीनी सी साड़ी के सिवा स्वेटर तक भी नहीं था। सुबह उठते ही श्वेता रजाई में पड़े पड़े चिल्लाती है, अरे ओ मेरी काली सौतन, कहाँ है तू। हाँ कहो श्वेता। जाकर मेरे और अनमोल के लिए बढ़िया सी चाय बना कर लिया, मलाई मार कर। कविता किचन में आती है जहाँ पूरी रसोई गंदे बर्तनों से बिखरी हुई होती है। वो बेचारी कपकपाती हुई ठंडे बर्फीले पानी से बर्तन मांज कर चाय बनाकर लाती है। श्वेता तुमने बताया नहीं कैसी रही कल की रात। उफ अनमोल तुम भी ना, बहुत अच्छी थी। दोनों को इतना करीब देखकर कविता की आंखें छलछला जाती है। तभी पीछे से दुर्गावती उस बेचारी के बाल पकड़ लेती है। क्यों रे मेरी काली करमजली बहू, दरवाजे पर खड़ी होकर मेरे बेटे बहू को देखकर उनकी खुशियों को नजर लगा रही है। हा? नहीं माजी, ऐसा नहीं है। आ माजी मेरे बाल छोड़ दीजिए। अरे रहने दीजिए माजी, और तू मेरी काली सौतन, आइंदा मेरे कमरे में ताका जाके की तो इससे भी बुरा हश्र करूंगी तेरा। चल परोस हमें। एसी हीटर की गर्म हवा देखकर दुर्गावती भी बेड पर बैठ जाती है। हो आज तो बड़ी ठंड है बहू, दिल्ली भी शिमला बन गया है। मगर जो भी हो बहू, ये एसी हीटर ने तुम्हारी कमरे को एकदम गर्म किया हुआ है। दुर्गावती सारा दिन अपनी गोरी बहू के कमरे में लगे एसी हीटर में बैठी रहती है, और वहीं बेचारी काली बहू उसका कड़ाती ठंड में भी बिना शॉल स्वेटर के बर्फीले पानी में काम करती है, जिससे उसके हाथ पांव सूज जाते हैं। ये देखकर दशरथ स्वेटर खरीद लाते हैं। कविता बहू, ये ले स्वेटर पहन ले। शुक्रिया बाऊजी। तभी दुर्गावती कविता के हाथों से स्वेटर छीन लेती है। बड़े आयस कल्लो के लिए स्वेटर खरीदने वाले, कितना सुंदर रंग है, ये तो मेरी गोरी बहू पर जचेगा। इस काली कलूटी को ज्यादा ठंड लग रही है तो चूल्हे में झोंक दो इसे। अरे कैसी निर्दयी हो गई हो तुम दुर्गावती, अरे भगवान से डरो। तुम तो सारा दिन अपनी गोरी बहू के साथ एसी हीटर की हवा खा रही हो और ये बेचारी ठंड में काम करती रहती है। दुर्गावती दशरथ की एक भी नहीं सुनती और वो स्वेटर श्वेता को दे देती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। दुर्गावती सुबह उठती है और सारा दिन अपनी गोरी बहू के कमरे में एसी हीटर में बिताती है। ये बुढ़िया तो सारा दिन मेरे कमरे में ही जमी रहती है, लगता है इसे जलील करना पड़ेगा, तभी मेरे कमरे में आना छोड़ेगी ये। अगली सुबह दुर्गावती अपनी गोरी बहू के कमरे में आती है। ओहो बहू ठंड है, बहू जरा सरक जा, माँ जी जगह नहीं है बेड पर, मुझे सोने दीजिए। अरे बहू इतना तो फैल कर सोई है, जरा सीधी हो जा, जगह बन जाएगी। तभी श्वेता घमंड दिखाकर बोल पड़ती है, सासू माँ आपको शर्म नहीं आती, रोज रोज मुंह उठाकर एसी हीटर की हवा खाने मेरे कमरे में मुंह उठाकर चली आती है। अपनी माँ के साथ श्वेता का ये बर्ताव देखकर अनमोल कहता है, श्वेता ये तुम माँ से कैसे बात कर रही हो, हाँ अभी माँ से माफी मांगो। माफी माय फुट, अगर इतना ही बुरा लग रहा है अपनी माँ के लिए तो लगवा क्यों नहीं देते अपनी माँ के कमरे में एसी हीटर, औकात नहीं है ना। श्वेता का घमंड भरा बर्ताव देखकर दुर्गावती को अपनी काली बहू के साथ की गई बेइज्जती के पल याद आ जाते हैं। मैंने कविता बहू को हरदम ताने दिए, मगर उसने मुझे पलट कर कभी जवाब नहीं दिया। मैं उस बेचारी को बार बार बेइज्जत करती रही, कविता बहू मुझे माफ कर दे। ये कहते कहते दुर्गावती रो पड़ती है, जिसके बाद अनमोल भी श्वेता को छोड़ने का फैसला लेकर अपनी गलती सुधारता है। आखिर में कविता को उसके ससुराल में वो प्यार और स्वाभिमान देखने को मिल जाता है जिसकी वो हकदार थी।
हाजी देखो आधा दिन बीत गया, अभी तक ब्याह का मंडप भी नहीं बनाया। बना तो रहा हूँ जानकी मंडप। आज एकदम कड़कड़ाती ठंड है। बांस काटने में देरी हो गई, पता नहीं भगवान ने भी कैसा भाग्य देकर भेजा है। अरे मेरी बिटिया को हम गरीब के घर आंगन में। यह कहते हुए गरीब बूढ़ीराम की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। थोड़ी देर में रमा और छोटे लाल बारात लेकर आते हैं, जहाँ कच्ची मिट्टी के उस आंगन में बांस के हरे मंडल में एक गरीब दुखियारे पिता की बेटी की शादी होती है। वहीं दूसरी ओर लाखों करोड़ों रुपए लगाकर महंगे से बैंक्वेट हॉल में प्रेरणा के बेटे अनुराग की शादी होती है, जहां सूट बूट वाले अमीर शामिल थे। वेटर, वेटर! जी, 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 जी मैडम। मैंने तुम गरीब वेटर्स को इस महंगी शादी में इसलिए बुलाया है ताकि तुम मेरे मेहमान का अच्छे से स्वागत करो। जाओ और एक एक टेबल पर चेक करो और पूछो कि किसको क्या चाहिए। जी मैडम। अमीर घमंडी प्रेरणा वेटर को गरीब देखकर उसे बहुत झाड़ती है। इतने में महंगे रिंग स्टेज पर ईशा और अनुराग की वरमाला होती है। ओह माय गॉड, इतना ऑसम स्टेज है, फूल भी अपने आप गिर रहे हैं। ये लग रही है ना हम जैसे अमीर के हिसाब की शादी। वहीं दूसरी तरफ जानकी और गुणीनाम अपनी बेटी सुगना की पुरानी सी साड़ी में ही विदाई करते हैं। बेटिया, हो सके तो अपने गरीब बूढ़े बाप को माफ कर देना। जानता हूँ शादी को लेकर हर लड़की की आंखों में हजारों सपने होते हैं, मगर तेरा ये बाप तुझे एक जोड़ा भी न दिला सका। समधन जी, अगर खातिरदारी में कोई कमी रह गई हो तो इस लड़की के बाप को माफ कर देना, दहेज तो न दे सका। समधी जी, आपने तो अपने कलेजे का टुकड़ा अपनी बेटी हमें दे दी है, इससे बड़ा दहेज और कुछ भी नहीं। कहाँ आसान होता है एक लड़की के लिए पहले मायके के गरीब घर आंगन में जीना, और फिर उस बेचारी की वह उम्मीद भी तब चकनाचूर हो जाती है जब ससुराल की दहलीज भी कांटों भरी हो। टमटम में बैठकर सुगना ससुराल आ जाती है, तभी घूंघट की आड़ में वह देखती है कि सामने बड़े से बंगले में रिसेप्शन पार्टी चल रही होती है, जो किसी और की नहीं बल्कि प्रेरणा की अमीर बहू ईशा की थी। उफ सासू माँ, ये गरीब लोग कौन है जो हमारे बंगले के बाहर दो कौड़ी का टमटम लिए खड़े हैं? ये रमा है ईशा बहू, हमारे बंगले से लगकर इन गरीबों की झोपड़ी है। आज इसके घर भी बहू आई है, वो भी टमटम में बैठकर। ओह रियली सासू माँ, फिर तो पास जाकर बधाई देनी बनती है। फिर दोनों अमीर घमंडी सास बहू सुगना के पास आती हैं। अरे वाह, ये टांगा तो बड़ा ही अच्छा है, इसके आगे तो हमारी महंगी गाड़ी भी फेल है ना सासू माँ। वैसे शादी की दावत में इस घोड़ी को क्या खिलाया? तुम लोग कितने गरीब हो, घास के सिवा बेचारी इस घोड़ी को भी कौन सा गुड़ चना खिला दोगे? प्रेरणा की अमीर बहू ईशा को बेइज्जती करता देखकर रमा कहती है, देखो बहू रानी, भगवान ने आप लोगों को अमीर बनाकर भेजा है, रुतबा पैसा दिया है, मगर किसी गरीब का इस तरह से मजाक मत उड़ाओ, वक्त पलटते देर नहीं लगती। अरे अरे आंटी जी, आप तो बुरा मान गई, वैसे तुम गरीबों की यही औकात है, टांगा या रिक्शा चार गरीबों को धर पकड़ बराती बना लिया और जरा सा खाना खिला दिया, लो भैया हो गई शादी। यह सुनकर गरीब बहू सुगना की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते हैं और ईशा की बात का जवाब देती है, मीम साहब, उस एक दिन की दावत के लिए एक गरीब बेटी का बाप जिंदगी भर प्याज रोटी खाता है ताकि बरातियों को खिला सके। हम गरीबों के पास आप अमीरों जितनी दौलत शोहरत नहीं होती, पर इज्जत हमारी भी होती है, समझी? चलिए माँ जी। इसके बाद रमा अपने गरीब घर में सुगना का स्वागत करती है और सुगना सास ससुर के पैर छूती है। जुग जुग जुती रहो बहू, भगवान तुम्हें खूब खुश रखे। सुगना, अब तक कहाँ थी तुम? पता है, तुम जैसी सुलझी हुई लड़की को अपनी जीवन साथी के रूप में पाकर मैं बहुत खुश हूँ। थोड़ी देर में सुबह हो जाती है और सुगना तड़के उठकर घर द्वार बाहर लिप रही होती है, तभी बंगले के दरवाजे से यह देखकर प्रेरणा कहती है, हाय ये रमा की बहू कितने तड़के उठकर अपने काम में लग गई है, और एक मेरी नई नवेली बहू अभी भी रजाई में पड़ी है, हो सकता है शादी ब्याह की भाग दौड़ में थक गई हो। प्रेरणा के बंगले की साफ सफाई नौकर शाकर लगकर करते हैं। 11 बज जाते हैं, तभी ईशा उठकर चिल्लाती है, मम्मी जी मम्मी जी। क्या हुआ ईशा बहू? जल्दी से मेरे कमरे में मेरी बेटी भिजवा दीजिए, उफ मेरा सर। ठीक है बहू, भिजवाती हूँ। इतने में ईशा को फोन आता है,
हाँ मोनिका, मुझे याद है। तू चिंता मत कर, मैं बस थोड़ी देर में रेडी होकर तुझे किटी क्लब में मिलती हूँ। पर बहू, घर में तेरी मुंह दिखाई रखी है, ईशा चिढ़ जाती है। पर मम्मी जी, मुझे तो कल सभी ने रिसेप्शन में देखा था, फिर मुंह दिखाई क्यों? क्योंकि आज रमा ने भी अपनी गरीब बहू की मुंह दिखाई रखी है। मैं बस उन्हें जलाना चाहती हूँ और उनकी औकात भी दिखाना चाहती हूँ। और यही बहुत से अमीर रिश्तेदार भी आने हैं तेरी मुंह दिखाई है। अब जिन्हें खिलाया है ये वक्त उनसे वसूलने का है। प्रेरणा ने शादी और रिसेप्शन में पहले ही करोड़ों लगाए थे, जिसके बाद वह मुंह दिखाई भी रखती है और पूरे घर में बढ़िया साज सजावट करती है। वही गरीब छोटे लाल इधर उधर से थोड़े फूल ले आता है। ये लो भाग्यवान, इधर उधर से थोड़ा बहुत गेंदे का फूल चुन लाया हूँ। अजी जितने मिले हैं वही बहुत है, इससे अपनी झोपड़ी को सजा देंगे। माधव बेटा, जाकर थोड़ा राशन पानी ले आ। मुंह दिखाई में औरतें आएंगी तो उनको थोड़ा बहुत कुछ खिलाना पिलाना भी तो होना चाहिए। माँ, मेरे पास जो भी थे वो शादी के खर्चे में लग गए, बस यही 100-200 है। बस 100-200? इतने में क्या ही होगा। माधव जी, आप इसी से थोड़ा आटा, गुड़ और डालडा ले आइए। घर में थोड़ा चावल है, उससे खीर पूड़ी बन जाएगी। सुगना ने मायके में बहुत ही गरीबी देखी थी, इसलिए वह समझदारी से काम लेकर थोड़े पैसे में भी खीर पूरी बनाती है। वहीं प्रेरणा के घर केटरर्स लगकर खाना बनाते हैं और ईशा मेकअप में ही लगी होती है। साड़ी तैयारी हो गई। बहू, तू यह साड़ी पहनकर तैयार हो जा, तब तक मैं आज पड़ोस में मुंह दिखाई का न्योता दे आती हूँ। पुष्पा, अरे ओ पुष्पा। अरे रमा, तू यहाँ? थोड़ी देर में मेरी बहू की मुंह दिखाई है, आ जाना। तभी पुष्पा मुंह बनाकर कहती है, मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि आज प्रेरणा जी की बहू की भी मुंह दिखाई है। बड़ी ही शानदार दावत रखी है, मैं तो वहीं जाऊंगी। रमा उदास होकर पुष्पा से फिर कहती है, थोड़ी देर वक्त निकाल कर मेरे घर भी आ जाना। अरे तूने कौन सी बड़ी दावत रखी है, रूखा सूखा ही बनाया होगा, मैं नहीं आऊंगी। रमा सभी के घर न्योता लेकर जाती है, मगर सब मना कर देती हैं। आखिर में वह प्रेरणा के दरवाजे पर आती है, जहां ईशा गहनों में लदी महंगा लहंगा पहनकर इतरा कर बोलती है, आंटी जी, तुम अपनी गरीब बहू की मुंह दिखाई छोड़कर हमारे दरवाजे पर क्या करने आई हो? आहा हा, समझ आया, मुफ्त की दावत खाने आई होगी। नहीं बहू रानी, मैं आपको और प्रेरणा जी को अपनी बहू की मुंह दिखाई का न्योता देने आई हूँ। बड़ा अच्छा लगता अगर आप दोनों थोड़ी देर के लिए भी आ जाते। इस पर ईशा घमंड में कहती है, अपनी औकात देखी है तुमने? तुम्हारे झुग्गी झोपड़ी में आगे से मैं और मेरी सासू माँ गुजरना भी पसंद नहीं करते, तो मुंह दिखाई में आना तो बड़ी दूर की बात है। चल अब अपना 2 कौड़ी का न्योता लेके दफा हो जा। घमंड में फूल रही ईशा रमा की बेइज्जती करके भगा देती है। रमा अपनी झोपड़ी में लौट आई है, जहां उसकी गरीब बहू फटी चिटी चटाई पर बैठी होती है। क्या हुआ माँ जी, अब तक कोई भी नहीं आया? तभी आंसू पोंछकर रमा कहती है, बहू हम गरीबों की खुशियों में कोई आना नहीं चाहता। माँ जी, मेरी मुंह दिखाई आप कर दीजिए, निभाना तो मुझे इस घर आंगन के रिश्ते हैं। अपनी गरीब बहू की मुंह दिखाई करके रमा उसे नेग में 11 रुपए देती है। वहीं दूसरी ओर सभी ईशा की मुंह दिखाई में उसकी झोली में गहना रुपया पैसा रखते हैं। ओ गॉड, ये सासू माँ ने तो मुझे इन गवारों के बीच नमूना बनाकर बिठा दिया है। ईशा चिढ़कर उठ जाती है, जिससे सारा नेक रुपया पैसा सब जमीन पर गिर जाता है। बस बहुत हो गया। पर बहू, अभी तेरी मुंह दिखाई पूरी भी नहीं हुई। आई डोंट केयर सासू माँ, मैं मेरे कमरे में जा रही हूँ। प्रेरणा की अमीर बहू उसकी आंखों के सामने जमीन पर गिरे रुपये पैसे को अपने पैरों से कुचलकर चली जाती है, जहाँ प्रेरणा का सारा घमंड टूट जाता है। मेहमानों के जाने के बाद प्रेरणा कहती है, बहू तुमने आज अपने पैरों से उस लक्ष्मी का अनादर किया है, तो इस घर की बहू, इस घर की लक्ष्मी कैसे बन पाओगी? तुमसे अच्छा तो मैं एक गरीब की बेटी को बहू बना लाती। तो ले आइए गरीब रमा की बहू जैसी कोई, जाइए। वो गरीब की बहू जरूर है, मगर तुम उसकी धूल भी नहीं लगोगी बहू, समझी? प्रेरणा अपनी बहू को बहुत झाड़ती है, जिसके बाद आखिर में घमंड छोड़कर ईशा अपना बर्ताव बदल देती है।